Assalamualaikum guys, welcome back to another video. तो यार आज जो मैं रूम लेकर आया हूँ वो है एंड्रॉयड 10 के ऊपर बेस्ड आपका पिक्सल एक्सपीरियंस प्लस रूम जो कि वेयर्ड के लिए Redmi Note 5 Pro के लिए अवेलेबल हो चुका है गाइज, एक लेटेस्ट बिल्ड है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की कि ये किसके ऊपर बेस्ड है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एंड्रॉयड 10 के ऊपर ये बेस्ड रूम है। और साथ ही अगर मैं सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद आपको अबाउट फ़ोन के अंदर जाने के बाद दिखा दूं एंड्रॉयड वर्जन और इसका जो लेटेस्ट बिल्ड है, जो बिल्ड वर्जन है, कर्नल वर्जन आप देख सकते हैं, गूगल प्ले सिस्टम अपडेट और एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल आप देख सकते हैं गाइस। तो यार आप कह सकते हो कि स्टॉक एक्सपीरियंस या स्टॉक एंड्रॉयड का जो एक्सपीरियंस होता है गाइस वो इस पिक्सल एक्सपीरियंस के रूम के अंदर आपको देखने को मिलता है। काफ़ी ज़्यादा फेमस रूम है गाइस, तो काफ़ी ज़्यादा लोग इसको यूज़ करना पसंद करते हैं गाइस। एज़ ए यूज़र गाइस मेरे लिए ये काफ़ी ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है गाइस, क्योंकि मुझे प्लॉटवेयर या एक्स्ट्रा ऐप्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो गाइस मैं इसी को यूज़ करना ज़्यादा पसंद करता हूँ गाइस। मैं इसका वेट कर रहा था गाइस, जैसे ही मेरे पास कोई इसकी स्टेबल बिल्ड आएगी तो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो डेफ़िनेटली ये जो स्टेबल बिल्ड है हमारे पास आ चुकी है गाइस, तो मैं आज बताऊंगा कि आप इसके अंदर कौन से एक्स्ट्रा फीचर्स, इसका कैमरा, इसकी परफॉर्मेंस और इसका बैटरी बैकअप। तो वीडियो को एंड तक देखना और यार अगर ये रूम पसंद आए तो डेफ़िनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोट 5 प्रो की मज़ीद वीडियोज़ के लिए। अगर आपको टाइमलाइन देखना है तो गाइस डिस्क्रिप्शन में आपको टाइमलाइन भी मिल जाएगा, तो आप वीडियो को स्किप करके भी देख सकते हैं गाइस। थैंक यू सो मच। इसकी परफॉर्मेंस तो गाइस परफॉर्मेंस के लिहाज से अगर देखा जाए तो नो डाउट जो पिक्सल एक्सपीरियंस रूम होता है गाइस वो स्टॉक एंड्रॉयड के ऊपर बेस्ड है, जो कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो आपको ब्लॉटवेयर है, एक्स्ट्रा ऐप्स हैं वो नहीं मिलती। चंद ऐप्स जो आपको देखने को मिलती हैं गाइस वही आपको स्टॉक एंड्रॉयड के अंदर भी देखने को मिलती हैं। सिंपली आप कह सकते हैं कि इसका जो यूआई है, इंटरफेस है, वो काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन और परफॉर्मेंस के लिहाज से आपको काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त प्रोवाइड करता है। परफॉर्मेंस की तो परफॉर्मेंस के अंदर अगर मैं बात करूँ एंटूडू बेंचमार्क की तो गाइस काफ़ी ज़्यादा मेरे दोस्त पूछते हैं यार एंटूडू बेंचमार्क, तो यार एंटूडू बेंचमार्क के ऊपर आप देख सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक एंड शेयर भी लाजमी कर देना और साथ ही साथ यार लाइक दे के बताना कि आप लोग मोटिवेटेड मुझे करो यार, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टेंट बना सकूँ गाइस। तो सब्सक्राइब भी कर लेना यार भाई के चैनल को, सपोर्ट करो यार थोड़ी सी। हम नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इसके एंटूडू स्कोर की। तो यार एंटूडू स्कोर के अंदर आप देख सकते हो काफ़ी ज़बरदस्त इसको स्कोर देखने को मिला है। इसको मैंने रन किया, काफ़ी ज़बरदस्त इसके अंदर परफॉर्म किया इसके अंदर, तो गाइस परफॉर्मेंस के अंदर नो डाउट ये काफ़ी ज़बरदस्त रूम होने वाला है। नेक्स्ट अगर बात करें स्टेबिलिटी की तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा ये परफॉर्मेंस देने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि एंटूडू बेंचमार्क मैंने आपको दिखा दिए गाइस। नेक्स्ट अगर हम बात करें गाइस इसकी ओवरऑल जो परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। नेक्स्ट अगर बात करें कुछ प्री इंस्टॉल ऐप्स की, तो यार प्री इंस्टॉल ऐप्स के अंदर आपको कुछ मिल जाते हैं, रिकॉर्डर मिल जाता है गूगल का, साथ ही साथ आपको कुछ FM रेडियो, साथ ही क्रोम, क्लॉक, कैलेंडर, कॉन्टैक्ट वगैरह, फाइल मैनेजर, फ़ोटोज़, प्ले स्टोर वगैरह की ये जो बेसिक्स ऐप्स आपको स्टॉक एंड्रॉयड के अंदर देखने को मिलती हैं, यही ऐप्स आपको इसके अंदर भी देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग अपनी एडिशनल जो इसके फीचर्स हैं गाइज, एडिशनल फीचर्स के अंदर आपको गाइज इसके अंदर आपको मिल जाएगा डार्क मोड, मिल जाएगा आपको फ्लैशलाइट का ऑप्शन है, बैटरी सेवर का ऑप्शन है, ये सारे वही आप कह सकते हैं कि स्टॉक जो फीचर्स हैं जो कि आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये डिरॉक साउंड का ऑप्शन एक मिल जाता है, स्क्रीन रिकॉर्डर इसके अंदर मिल जाता है, एम्बिएंट डिस्प्ले गाइस मैंने चेकआउट किया, मुझे लगा कि इसके अंदर अभी बग है, तो एम्बिएंट डिस्प्ले का मैं प्रॉपर तरीके से आपको कंफर्म नहीं कर सकता कि वर्किंग है या नहीं। तो यार अगर वो ओवरऑल नाइट लाइट और डार्क थीम वगैरह की बात करें तो ये दोनों प्रॉपर तरीके से वर्किंग हैं। अगर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे इसके ऑप्शंस की बात करें तो कुछ मज़ीद जो इसकी बात करते हैं हम लोग वाईफाई एंड हॉटस्पॉट की, तो यार दोनों प्रॉपर तरीके से वर्किंग हैं, आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस अपने कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो एक्स्ट्रा फीचर्स के अंदर अगर आप जाते हैं गाइस, ये जैसे आपको पता है प्लस है, तो एंड्रॉयड पिक्सल एक्सपीरियंस प्लस बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 10, तो इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर आपको डिस्प्ले के अंदर देखने को मिल जाते हैं, जैसे आपको लाइव डिस्प्ले, एडवांस के अंदर आपको यहाँ पर थीम्स, वॉलपेपर्स वगैरह के चेंजिंग करने का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त आपको देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं
इसके अंदर आपको मुख्तलिफ फॉन्ट्स मिल जाते हैं जिसको आप लोग कस्टमाइज भी कर सकते हैं। साथ ही अगर वॉलपेपर्स की बात करें तो पिक्सल के वॉलपेपर्स आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त बात है गाइस। नेक्स्ट अगर बात करें कुछ लिविंग यूनिवर्स के ऑप्शंस के अंदर आपको कुछ वॉलपेपर्स मिल जाते हैं, जो कि आप कह सकते हैं कि प्रीवियस पिक्सल के जो वॉलपेपर्स हैं वो आपको देखने को इसके अंदर मिल जाते हैं। स्टाइल के अंदर आप लोग खुद कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इसके आइकन्स को, फॉन्ट्स को, कलर्स को आप यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं गाइस। इसके अलावा मज़ीद बात करें डार्क थीम का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। डिस्प्ले साइज, स्क्रीन क्लॉक, लॉक स्क्रीन डिस्प्ले, यहाँ पर सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। कुछ ऑप्शंस आपको टैप टू वे का ऑप्शन भी यहां पर मिलेगा, उसके बाद साथ ही साथ एम्बिएंट डिस्प्ले का ऑप्शन मिलेगा। तो यार एम्बिएंट डिस्प्ले का मैं प्रॉपर तरीके से नहीं कह सकता कि ये वर्किंग है या नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको यूज़ करना चाहते हैं या नहीं। तो मज़ीद कुछ ऑप्शंस की अगर आप बात करें सिक्योरिटी के अंदर जाएँ तो यार इसके अंदर आपको फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों प्रॉपर तरीके से वर्किंग करते हुए दिखाई देंगे। लेट मी शो यू गाइस, अगर मैं फिंगर के ऊपर टैप करता हूँ तो ये देखें गाइस अनलॉक हो जाएगा, फौरी तौर पर आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। और फेस अनलॉक की बात करें तो गाइस फेस अनलॉक भी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा फास्ट किस्म का देखने को मिला गाइस। तो गाइस ये देख सकते हैं आप लोग, जैसे ही मैं फेस इसके सामने लाता हूँ तो ये प्रॉपर तरीके से इसको अनलॉक कर देता है गाइस। तो किसी भी आपको बटन की ज़रूरत नहीं, टैप करने की ज़रूरत नहीं, काफ़ी ज़्यादा रिलायबल आप कह सकते हो कि इसका फेस अनलॉक भी आपको मिलता है गाइज। तो सिक्योरिटी की बात हो चुकी, यहाँ पर आपको डिजिटल वेल बीइंग वगैरह के ऑप्शंस मिल जाते हैं। सिस्टम के अंदर आपको यहाँ पर जेस्चर्स के कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे एंड्रॉयड 10 के जेस्चर्स आपको मिल जाएंगे। उसके साथ ही साथ कुछ मज़ीद जेस्चर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, 2 बटन जेस्चर्स, 3 बटन नेविगेशन आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं। स्वाइप टू स्क्रीनशॉट प्रॉपर तरीके से वर्किंग है गाइज। साथ ही कुछ ऑप्शंस की अगर बात करें हम लोग बटन्स के अंदर जाने के बाद, तो यहाँ पर आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं मुख्तलिफ सारे बटन्स को, डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलेंगे गाइस। स्टेटस बार की अगर बात करें तो यह स्टेटस बार के अंदर आप लोग क्लॉक की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, सेकंड्स वगैरह को शो कर सकते हैं, AM/PM स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, उसके बाद बैटरी स्टेटस स्टाइल को आप लोग यहाँ पर चेंज कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप ब्राइटनेस स्लाइडर को आप देख सकते हैं, साथ ही साथ कुछ ऑप्शन ऑटो ब्राइटनेस के, ब्राइटनेस कंट्रोल का ऑप्शन भी आपको स्लाइडिंग अक्रॉस जैसे आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं स्लाइड करता हूँ तो गाइज़ यहाँ पर आपको ये भी ऑप्शन मिल जाता है देखने को, जो कि वर्किंग है गाइज़। यहाँ पर आप इसको जो आप कह सकते हैं स्टेटस बार के जो आइकन्स हैं उनको भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उनकी रो को लैंडस्केप के अंदर, कॉलम्स के अंदर जो है वो इजाफा कर सकते हैं या उनको कम कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, जैसे कि सेटिंग एनिमेशन के अंदर आप लोग इसको फ्लिप कर सकते हैं। जैसे मैं आपको चेकआउट करवा देता हूँ, हॉटस्पॉट को मैं जैसे ऑन करूँगा तो ये फ़्लिप करेगा, आप देख सकते हैं गाइज़ एक एनिमेशन आपको देखने को मिल जाता है। उसके साथ ही साथ अगर बात करें हम लोग दूसरे कुछ ऑप्शंस की, तो यही आपके साथ जो एक्स्ट्रा फीचर्स इसके अंदर आप देखने को मिलते हैं। और अगर ओवरऑल स्पीड टेस्ट की हम बात करें, ऐप ओपनिंग टाइम की बात करें, तो गाइज काफ़ी ज़्यादा आपको स्मूथ देखने को मिलता है, कोई किसी किस्म का ऑप्शन आपको या कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलती। तो यार वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होने वाली है, साथ ही साथ इसको मैं टेस्ट कर देता हूँ। मल्टीटास्किंग के अंदर आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला गाइज। आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो एप्लीकेशन थी वो रन है और अभी तक ये प्रॉपर तरीके से वर्किंग है। जैसे पबजी मैंने काफ़ी देर पहले ओपन की थी तो यह स्टिल जो है ये रीओपन कर रही है, लेकिन कुछ ऐप्स की अगर बात करें दोबारा से आप देख सकते हैं इसकी जो स्पीड अप टाइम है काफ़ी ज़्यादा, एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा, जो पिक्सल एक्सपीरियंस का जो एनिमेशन हैं गाइज काफ़ी ज़्यादा कूल देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें कैमरा की तो यार गूगल कैमरा की सपोर्ट आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। अगर मैनुअल कैमरा के अंदर हम जाएँ तो गाइज आपको मैं चेकआउट करवा देता हूँ कि जी कैम जो है आप इसके अंदर प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जो बिल्ट इन जो कैमरा आपको देखने को मिलता है गाइज वो भी मैं आपको चेकआउट करवा देता हूँ। गाइज ये एक आपके सामने कैम है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मुख्तलिफ सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जैसे नाइट साइड वगैरह का ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर पिक्चर क्लिकिंग की बात करें तो यार पिक्चर के अंदर भी आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा, ईजीली आप इसको कैप्चर कर सकते हैं और आप इसको विजिबल कर सकते हैं। तो यार ओवरऑल अगर देखा जाए तो कैमरे की जो परफॉर्मेंस है वो भी आपको काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलती है। साथ ही अगर आप जी कैम की सपोर्ट की बात करें तो वो भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है गाइज। और अगर सेटिंग्स के अंदर जाएं तो काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं गाइज। जैसे वीडियो के अंदर आप लोग HD तक जो है वो फुल HD 1080p
तक जो है वो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं गाइज। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरियनेस, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी सारा आपको इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यार आप इसको चेकआउट कर लेना, मेरे प्रॉपर तरीके से चेकिंग के अंदर कोई इशू नहीं देखने को मुझे मिला। अब बात करें बैटरी परफॉर्मेंस की, तो यार बैटरी परफॉर्मेंस के अंदर जो है ये रूम आप कह सकते हैं कि पिक्सल एक्सपीरियंस नो डाउट काफ़ी ज़्यादा लोगों को कम्पीट करने वाला है, काफ़ी ज़्यादा रूम्स को कम्पीट करने वाला है। सॉरी गाइज, लोगों को कम्पीट नहीं करेगा, रूम्स को कम्पीट करेगा गाइज। तो यार ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा किस्म का ये बैटरी जो है इसकी परफॉर्मेंस अब देख सकते हैं। अगर बैटरी सेटिंग्स के अंदर हम जाएं स्टैट्स के अंदर, तो मैं आपको चेकआउट करवाता हूं, देख सकते हैं लास्ट फुल चार्ज जो है वो 72 मिनट्स अगो मैंने इसको चार्ज किया। तो आप देख सकते हैं गाइज, तो आपको अराउंड अबाउट 6 to 7 आवर्स स्क्रीन ऑन टाइम इसके अंदर देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त बात है गाइज। और अगर पबजी की बात करें, तो यार पबजी के अंदर आपको ग्राफिक्स के अंदर जो है वो HD का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। गेम प्ले जो था वो आप लोग इजीली स्मूथ के ऊपर रखकर खेल सकते हैं स्मूथ, और साथ कुछ फ्रेम रेट्स जो हैं वो आपको 30 FPS तक मिल जाएगा। 40 FPS का ऑप्शन डेफिनेटली आपको नहीं मिलेगा। अगर आप GFX टूल यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आप उसको यूज़ कर पाएंगे और आपका जो 40 FPS और 60 FPS जो है वो एनेबल हो जाएगा। तो आई होप सो कि गाइस आप लोग GFX टूल यूज़ करने के बाद इस गेम का मज़ा ले सकते हैं। जैसे कि आपको पता है रूम जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है गाइस। अब बात करते हैं बैंकिंग ऐप्स की, तो यार देखो बैंकिंग ऐप्स जो हैं वो मैं यूज़ नहीं करता, ना ही कोई बैंकिंग का जो प्रोसीजर है वो मेरा यहाँ पर अवेलेबल है, या मैं उसको ख़ुद प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं करता। तो मैं ये नहीं कह सकता कि इसके अंदर बैंकिंग ऐप्स वर्क करेंगी या नहीं करेंगी। डेफिनेटली अगर आप रूट करेंगे, जैसे आपने मैजिक इंस्टॉल कर रखा है, तो यार इसको इंस्टॉल करने के बाद आप बैंकिंग ऐप्स मत यूज़ किया करो। जैसे ही रूट होगा तो आप परमिशन, काफ़ी ज़्यादा परमिशंस आपको देने को मिल जाती हैं, जिससे आपकी जो बैंकिंग ऐप्स हैं उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, या आपके डाटा को स्टील होने का जो है वो चांसेस बढ़ जाते हैं। तो रूट ना करें, रूट के बगैर आप बैंकिंग ऐप्स इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने टेस्ट नहीं की, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी गाइस। तो यार बात करते हैं आपने इसको इंस्टॉल कैसे करना है। तो यार फाइनली आपने इसको इंस्टॉल करने के लिए एक फ़ाइल आपको चाहिए, जिसका नाम है गाइस, मैं आपको चेकआउट करवा देता हूँ। डाउनलोड्स के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आपको पिक्सल एक्सपीरियंस के नाम से गाइस आपको फ़ाइल मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा गाइस, वहाँ से आपने फ़ाइल सिंपली डाउनलोड कर लेनी है गाइस। डाउनलोड करने के बाद गाइस जो अराउंड अबाउट उसकी जो डाउनलोडिंग MBs होंगे वो 1.7 GB तक की फ़ाइल है गाइस, तो आपने उसको इजीली डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद गाइस आपने सिंपली पावर ऑन ऑफ की और वॉल्यूम अप की एट द सेम टाइम प्रेस करना है, ताकि आप लोग रिकवरी के ऊपर बूट कर सकें गाइस। तो यार जैसे ही आप रिकवरी के ऊपर बूट करेंगे, नेक्स्ट आपको जो ऑप्शन है वो मैं बताता हूँ गाइस आपने क्या करना है। जैसे ही आप रिकवरी के ऊपर बूट करेंगे गाइस, तो जैसे ही आप बूट करेंगे गाइज यहाँ पर आपने वाइप के अंदर आना है। वाइप के अंदर डेलवी कैश डेटा और आपने सिस्टम और वेंडर को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने स्वाइप टू इंस्टॉल कर देना है। तो यार मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो मैं इसको स्वाइप टू इंस्टॉल नहीं करूँगा। आपने स्वाइप टू वाइप करना है। वाइप करने के बाद पार्टीशंस आपने फाइल्स के अंदर आना है। इंटरनल स्टोरेज को आपने वाइप नहीं करना। डाटा का बैकअप जो है वो आपने बना लेना है, अदरवाइज़ आपका डाटा जो है वो लॉस हो सकता है। अगर आप MIUI के ऑफिशियल रूम से इस रूम के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं तो अपना डाटा का बैकअप बना लेना। अब आपने पिक्सल एक्सपीरियंस रूम के ऊपर आना है गाइज, और सिंपली आपने स्वाइप टू इंस्टॉल कर देना है। तो यार ये ईजिली आपका ये जो रूम है आपके Redmi Note 5 Pro के अंदर ईजिली इंस्टॉल हो जाएगा, और यार काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का रूम है। आपको पता है गाइस Redmi Note 5 Pro एक काफ़ी लेजेंड किस्म का डिवाइस है, लेजेंडरी डिवाइस है, जो कि अपडेट्स ना होने के बावजूद भी आपको इसके अंदर जो है वो कस्टम रूम्स के काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसके अंदर एंड्रॉयड 11 का ऑप्शंस भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। एंड्रॉयड 11 का रूम भी आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। तो यार यही था इस वीडियो में, वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक और शेयर भी कर देना, और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और इसी तरह यार मोटिवेट करते रहो भाई को, सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो, ताकि यार इस तरह की मजीद जो कंटेंट है वो अच्छा अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहूँ गाइस। तो थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।